अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तो बताइए, किस किस के यहाँ गैस नहीं आ रही है? देखें, गैस का आलम देखें। और 6-10 से पकौड़े दालें में हैं तलने के लिए, और सिर्फ़ अभी तक ये पकौड़े हुए हैं। दाल चढ़ाई थी माश की वाइट वाली, वो भी बेचारी आधे में ही दम तोड़ गई है, और उसको अभी ऐसे ही रहने दिया है। बड़ी ईजी होती है, बड़े मज़े की होती है। इसमें आप पालक भी डाल सकते हैं। सिर्फ आपने माश की दाल लेनी है, उसको धोना है, उसमें नमक लहसुन अदरक डाल के और चढ़ा देना है। उसके बाद आपने उसको बघाड़ लगा देना है। यार गैस का तो बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है, बंदा बड़ा ही परेशान हो गया। अब इन लोग को शर्मो हया नहीं है कि रोज़ेदार हैं, रोज़ा खोलना है, और अब बंदा कितना बाज़ार से लाए, बस अपने बाज़ार की चीज़ें बाज़ार चमकाए जा रहे हैं, अपने कारोबार चमकाए जा रहे हैं। इन लोग को बिल्कुल एहसास नहीं है, जो नहीं ले सकता वो क्या करे। अब बताओ ना यार, इतनी देर से ये गैस आ रही है, और ये इतनी देर से मैंने चढ़ाए हैं, 6-10 पे मैं खड़ी हो गई थी गैस के लिए। अब देखते हैं अल्लाह मालिक के क्या है। आज तो इफ्तारी का कोई ख़ास इंतज़ाम भी नहीं है, क्योंकि गैस ने धोखा दे दिया है। और मूसा बाबा जो हैं वो अपने बाबा के साथ हैं, खड़े हुए बाहर के नज़ारे कर रहे हैं। मूसा, हेलो मूसा, हेलो। ये देखिए बाहर अभी रो रहे थे, मुझे गोद में लो गोद में लो, तो इनके अब्बा ने इनको गोद में लिया और बाहर आए। मूसा हेलो कर दो, हेलो। हाँ, इनको बाहर आने का बहुत शौक है। देखिए हेलो कर रहे, हेलो। चलें जी, बस इफ्तारी का टाइम करीब आ रहा है। आप लोग भी बताइए कि किस किस यहाँ गैस का इशू हो रहा है, और ज़रूर कमेंट्स करें और कुछ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर रोते के बाद मिलते हैं। अल्लाह।